पुलिस बदमाश बन चुकी है। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा है। लाहौर हाईकोर्ट में तीन शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस सरफराज जोगर SPCIA पर सख्त बरहम हो गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट में तीन शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाप्त हुई। रिमार्क्स दिए गए कि पुलिस अफसर इतने बड़े बदमाश हैं जिसका दिल करता है शहरियों को उठा लेते हैं। मोहम्मद हारून से तफसीलात लेंगे। जी मोहम्मद हारून, बताइएगा समाप्त का अहवाल क्या रहा? आज बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में तीन शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस की समाप्त हुई थी। अदालत ने गैर कानूनी हिरासत में रखे गए तीनों अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और लाहौर पुलिस पर बरस पड़े। इनका कहना था कि SHO मनावा और बाटापुर को फांसी पर लटका देना चाहिए, आप इतने ताकतवर हो गए कि हाईकोर्ट का कोई जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता। अदालत ने ये मजीद कहा कि पुलिस बदमाश बन चुकी है, एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे खानदान का जीना हराम कर रखा है। दौरान समाप्त अदालत ने SPCIA पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस दौरान DAG ऑपरेशन जो है वो भी अदालत में पेश हुए और अदालत को कहा कि मैं अदालत से गैर मशरूत माफी का तलबगार हूं। अदालती हुक्म पर DIG ऑपरेशन ने SPCIA की भी सरजनिश की। इस दौरान अदालत ने जो है कहा तीनों अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया और DIG को कहा कि इस हवाले से जो है रिपोर्ट 15 दिन में अदालत में जमा करवाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें ये तफसील आगाह किया।